वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर के कैंपस से फरार होने वाले एक बंदर के हवाले से है। जी हाँ, 4 अगस्त 2021 को यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर से एक बंदर उस वक्त फरार होने में कामयाब हुआ जब उसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी के लिए लेबॉर्टरी ले जाया जा रहा था। बंदर ताहाल लापता है। इस बंदर को आखिरी बार यूनिवर्सिटी के करीब वाके संत नगर के इलाके में देखा गया। मकामी अफराद ने रेस्क्यू 1122 को आगाह किया, पर बंदर वहां से भी फरार होने में कामयाब हो गया। आपको याद होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि यूनिवर्सिटी के साइंसदान पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में पहले मरहले में खरगोश पर यूनिवर्सिटी की तैयार करदा वैक्सीन का कामयाब तजर्बा किया गया। दूसरे मरहले में आजकल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट बंदर पर वैक्सीन के तजर्बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक हुकूमत पंजाब के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से ये बंदर फराहम किए गए और इन बंदरों के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट शेड भी बनाया गया। ये भी याद रहे कि हुकूमत पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस को वैक्सीन की तैयारी के लिए 10 करोड़ के फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी भी करा रखी है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से फराहम करदा बंदरों पर तहकीक जारी है, ताहम इस गुमशुदा बंदर की अभी तक कोई ख़बर नहीं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कॉमेंट करें। आपका आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।